नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए अनुयायियों और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आह्वान किया कि वे सर्वप्रथम गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए कार्य करें ताकि वे लोग मुख्यधारा में आकर समाज निर्माण में भागीदार बन सकें। इस अवसर पर समाज बदलाव का संदेश देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अंधेरा घना हो, अर्थात सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के घर उजियारा कर उसके जीवन से दुख दर्द व दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले 8 वर्षों से अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के कार्य को अंजाम दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों व फ्लैगशिप प्रोग्रामों को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दादी प्रकाशमणि पार्क के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए। अलग अलग भाषाओं में महापुरुषों की शिक्षाएं रही हैं, परंतु सभी संतों का मूल भाव यही है कि किस प्रकार समाज में सुधार लाया जाए। ऐसे सभी संतों महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है। इसके तहत सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। सरकार की यह अनूठी पहल है ताकि आज की युवा पीढ़ी को भी पता लगे कि किस प्रकार से महापुरुषों ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज को आधुनिकता की ओर पहुंचाया है। इतना ही नहीं, यह योजना समाज में भाईचारा व सद्भावना को बढ़ाने का भी माध्यम बन रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संगठन का लक्ष्य भी समाज सुधार के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक विकास करना है। सरकार विकास कार्य करती है जिसे भौतिक विकास की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सरकारों का काम केवल भौतिक विकास ही नहीं बल्कि समाज में आध्यात्मिक विकास करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना जिनमें शिक्षा संस्कार के साथ ही उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हो, यही सरकार और सामाजिक संगठनों का ध्येय होना चाहिए। सीएम ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने की हमारी प्राचीन विद्या योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। योग साधना के बल पर मनुष्य अपने मन की बुराइयों पर नियंत्रण कर सकता है। हरियाणा सरकार ने भी योग को बढ़ावा देने और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए गांवों में पार्क और व्यायामशालाएं खोली हैं। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने में हमारे सदियों पुराने खान पान में शामिल मोटे अनाज का आज भी उतना ही महत्व है और इसी को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर से माना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। हरियाणा में भी नववर्ष पर मोटे अनाज के अल्पाहार के साथ वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहां मना है। इस मूल वाक्य पर चलते हुए जीवन में आने वाली सभी बुराइयों के अंधेरों को दूर कर निरंतर समाज हित में कार्य करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम नव वर्ष विक्रमी संवत 2023, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि है, इसमें जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा, समाज की कल्पना की होगी, तो इस समाज में अच्छाई बुराई ये हमेशा साथ साथ ही रही होगी। दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियां दोनों ही लगातार चली होंगी और चलेंगी भी, सही आज भी चल रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्रबुद्ध जन होते हैं, जिन्होंने अपनी महापुरुषों के नाते जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमेशा दैवी शक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस विचार को कैसे श्रेष्ठ विचार के नाते से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा ये प्रयत्न रहा है। जब कभी दैवी शक्तियों की रेखा लंबी हो गई
तो लगा कि समाज के अंदर एक सुख का अनुभव ये करने लगे, लोगों ने उसको स्वर्ग का नाम दे दिया। और जब कभी आसुरी शक्तियां अपनी रेखा को लंबी कर लेती हैं तो समाज में पीड़ा दुख ये पनपने लगता है, तो उसको नरक का नाम दे दिया गया। अब ये स्वर्ग है नरक है, वास्तव में मैं मानता हूं ये सब यही है। अंतर केवल इतना है कि किस समय कौन सी शक्तियां प्रभावी हैं, कौन सी रेखा लंबी है। तो मुझे संतोष है इस बात का कि आप लोग एक लक्ष्य को लेकर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये जो एक आध्यात्मिकता के माध्यम से एक रेखा को लंबा कर रहे हैं, यही वास्तव में हमको आगे चल करके, आज भी इसका सुख अनुभव सब करते हैं लेकिन इसका प्रभाव बढ़े, और इसका प्रभाव बड़ा हो तो निश्चित रूप से सुख की कल्पना हम ये कर सकते हैं कि समाज सुखी होगा, और फिर से जिस स्वर्ग की हम कल्पना कर रहे हैं वो आने वाला है। अब इसमें समय समय पर बहुत से महापुरुष हुए हैं, इतिहास में कोई हम पढ़ते हैं तो कमी नहीं है, और बहुत महापुरुषों के नाम के बाद बहुत से संगठन भी उस विचार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए, समाज निर्माण यानी अच्छा समाज कैसे बने, लेकिन समाज की मूल इकाई वो मनुष्य होती है, तो मनुष्य का निर्माण कैसे हो। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं शासन प्रशासन है सब करता है, ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है, उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों क्या है कि सरकार आई है ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती हैं। लेकिन मनुष्य निर्माण समाज का विकास जिसके अंदर शिक्षा भी हो संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने, योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है, उसका एक योगासन का हिस्सा ये प्रचार का हिस्सा है, लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी, तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए, नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं, गांव गांव में पार्क एवं व्यायामशालाएं ये बनाई हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार ना हो स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें गेहूं और धान को पैदा करके अन्न तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।